वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम तिलोत्तमा महाजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इज मैथ एचसीएफ एंड एलसीएम एंड टुडेज टॉपिक इज द यूज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय द अदर नंबर्स देन दैट ग्रेटेस्ट नंबर इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। हम ये प्रैक्टिस सेट 14 से एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे कि डेफिनेशन का मीनिंग क्या है और इस प्रैक्टिस सेट में हम क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है वो इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू टाइप है, क्वेश्चन नंबर 1 वो आपको आएगा सॉल्व करते हुए। अब 2 लेते हैं हम डायरेक्टली, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट एग्जाम्पल है 14 एंड 28। 14 और 28 के हम पहले फैक्टर निकालेंगे। 14 इज इक्वल टू 2 के टेबल में 7 नंबर पे, यानी 2 7 14, और 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 4 और 4 7 28। देयरफॉर एचसीएफ क्या आया उसका, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ आया 14। दोनों का एचसीएफ क्या आया 14, और दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 28। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 28। फिर से हम दूसरे एग्जांपल से देखेंगे। अब यहाँ पे नंबर है 32 एंड 16। 32 और 16 के हम फैक्टर निकालेंगे। 16 के टेबल में 2 नंबर पे आता है 32, 16 2 जा 32 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब एचसीएफ क्या आएगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हियर, और एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 32। डू अंडरस्टैंड? रिमेनिंग एग्जाम्पल आपको इसी तरह सॉल्व करने है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।